हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सर्दी स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली लाजवाब तिल बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। और आप सबको पता है सर्दियों में तिल खाने चाहिए, तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो तिल सर्दियों में सबको जरूर खाने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप से नाप कर लिया है। मैं सारा नाप 1 कप से कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप व्हाइट तिल ले लिए इस तरह से, आधा कप मैंने मावा ले लिया, फीका मावा जिसे खोआ भी बोलते हैं, और इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और 1 कप मैंने गुड़ ले लिया। गुड़ अच्छे से आपको साफ देख के उसको बारीक कट कर लेना है। अब गैस पे हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। आप कोई भी लोहे की स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं। गैस की आंच हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाते हुए तिल को भून लेना है। तिल है बहुत जल्दी भून जाते हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लगता है। जब ये फूलने लगे और चटकने की आवाज़ आए इस तरह से, तो आपको गैस बंद कर देनी। तिल हमारे भून चुके हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगा। अब मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी इनको ठंडा होने के लिए। तो तिल को मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दिया था और तिल अच्छे से ठंडे हो गए। अब हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। पहले तिल आप अच्छे से ठंडे कर ले। गरम तिल आपको नहीं पीसने हैं, फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लें। तो मिक्सी रुक रुक के चलानी है आपको, कंटिन्यू नहीं चलानी है। तिल पीसते समय अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो तिल है ना तेल छोड़ देता है। तो इस तरह से आपको दरदरा तिल है पीस लेना है, एकदम से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। तो इस बर्फी में ना दरदरा पीसेंगे ना तो जो गजक होता है ना उसका टेस्ट आएगा, गजक जैसा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बर्फी है और खाने में और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से मैंने तिल को पीस के रख दिया साइड में। अब एक बर्तन ले लेंगे। आप जमाने के लिए जो भी बर्तन सेट करने के लिए बर्फी को ले रहे हो उसको तेल लगा के चिकना कर दे इस तरह से। मैं इसमें बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, घी के बजाय आप तेल लगाए ताकि जमे ना, क्योंकि घी सर्दियों में जम जाता है। इसके नीचे थोड़ी मैं पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर दूंगी, पिस्ता की कतरन डाल दूंगी, पूरी तरह से ऑप्शनल है। सेम कढ़ाई को हम वापस चढ़ा लेंगे गैस पे, और गैस मैंने ऑन कर ली और गैस की आंच मीडियम ही रखी है। और 1 कप मैंने इसके अंदर बारीक किया हुआ गुड़ डाल दिया, और 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला ताकि गुड़ है ना आसानी से पिघल जाए। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालना है। जो स्टील वाला छोटा वाला चम्मच होता है ना जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, उसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच पानी डाला है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो 1 चम्मच घी डाल के आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, तो वो भी है ना गुड़ पिघल जाता है घी डाला हुआ भी। अब हमें चाशनी को कितना पकाना है, इसमें कोई चाशनी चेक नहीं करनी है। अच्छे से दबा दबा के गुड़ को तोड़ेंगे और अच्छे से मेल्ट होने के बाद आपको 2 मिनट के करीब पका लेना है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, गुड़ पिघल जाए तो 2 मिनट मैंने पका लिया। गुड़ पिघलने के बाद मीडियम आँच पे 2 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर हम तिल डालेंगे। गैस की आंच मैंने बिल्कुल धीरे कर दिए, तिल और मावा दोनों ही साथ में डाल दिए। आपको पहले तिल डालना है फिर मावा डालना है। अब गैस की आंच बिल्कुल धीरे है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मावा भी इसके अंदर अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लेना है। अगर आप कद्दूकस करके मावे को डालेंगे ना तो कम टाइम लगेगा मिक्स होने में, जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। मैंने बारीक बारीक तोड़ के इसको मिक्स किया था, और एक बार जैसे ही इसके अंदर मावा मिक्स होगा ना, गर्म होगा तो मावा है ना गीला हो जाता, तो आपका मिश्रण थोड़ा पतला लगेगा, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस तरह से मिक्स करते रहे और गैस की आंच आपको धीरे ही रखनी, तेज़ नहीं करनी है। तो एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। तो देखिए मिश्रण आपको कुछ इस तरह का पतला दिखेगा। अब धीमी आँच पर आपको 5 मिनट के करीब इसको एक जगह इकट्ठा होने तक पका लेना है। मिक्स होने के बाद जैसे ही मावा मिक्स हो जाए 5 मिनट, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मिश्रण जमने लायक हो गया है, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो गैस की आंच तेज करेंगे तो मिश्रण ही बहुत जल्दी तले में चिपकता, क्योंकि हमने इसमें मावा डाला है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है डाले, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि बर्फी में टेस्ट अच्छा आता है। मावा नहीं तो आप सीधे तिल और गुड़ से भी इस बर्फी को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी गुड़ तिल में भी। तो मैं इस तरह से हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेके चेक कर रही हूँ, अभी बहुत गर्म है थोड़ा सा, तो इसलिए ये गोली नहीं बन रही है। देखिए अगर आप प्लेट में किसी में निकाल के भी चेक कर सकते हैं निकालना चाहते हो। मैं इस तरह से अब देखो दूसरे हाथ में लेके दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से गोली बन रही, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रही है, मतलब हमारा मिश्रण परफेक्ट है। अब मैं
गैस बंद करके नीचे उतारूंगी और सारा मिश्रण इस बर्तन में डाल दूंगी। तो ये बर्फी है अच्छे से सेट हो जाती है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने मावा डाला है ना, तो ये थोड़ी सॉफ्ट बनती है। अगर आप तिल और गुड़ से बनाएंगे सीधे तो इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी, लेकिन मावे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मावा है तो मावा डाल सकते हैं, मावा नहीं तो आप तिल गुड़ से भी इस बर्फी को बना सकते हैं, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी मावे जैसा ही टेस्ट आएगा बर्फी में, वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है पूरी तरह से। खाली आप दो चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो सर्दियों में तिल और गुड़ दोनों ही बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, गुणकारी होते हैं, तो आप ज़रूर से खाएं। इस तरह से बर्फी बना के बच्चों को खिला सकते हैं, टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में ये बर्फी बना के खिला सकते हैं आप, बना के स्टोर करके रखते। तो देखिए इस तरह से मैंने को इसको सेट कर दिया था और सेट होने के लिए रख दिया था। ये ठंडी होगी तो 1 से 1.5 घंटा इसको सेट होने में लगता है, कई बार टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी लग सकता है। हम सेट होने के बाद इस तरह से चाकू से किनारे छुड़ाएंगे और इसको प्लेट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके थपथपाएंगे तो आसानी से मिठाई ये निकल जाएगी। हमने इसमें बटर पेपर, सिल्वर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी देखो आसानी से ये निकल गई है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। आप इसका कलर टेक्सचर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार ये बनी है। इस तरह से मैं चाकू से कट कर रही हूँ, बिल्कुल भी चाकू की नहीं चिपक रही, लेकिन ये मावे की वजह से थोड़ी सॉफ्ट बनी है। तो अगर आप गुड़ तिल या मिल्क पाउडर डालेंगे तो ये इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी, क्योंकि मावा गर्म होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसके पीस कट कर ली, पीस आप अपने मन मुताबिक कट कर सकते हैं, और आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितनी लाजवाब बनी। हमने इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसमें घी डाल के इस बर्फी को बनाया, क्योंकि तिल में तेल होता है इस वजह से ये बर्फी शाइनी बनी है। तो मैंने मूंगफली और तिल की भी बर्फी बना के उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और देखिए ये शानदार सी बर्फी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो इस बर्फी को आप आराम से 10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर मावा डाला है। अगर आप बिना मावे के बनाते तो आप महीना भर भी स्टोर करके रख सकते, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। मिल्क पाउडर और मावा दोनों चीज़, सॉरी मिल्क पाउडर और आप बिना मावे के बर्फी बनाते तो आराम से आपके महीने भर से ज़्यादा चलेगी, लेकिन मावा डाल के बनाते तो आप ज़्यादा दिन इसको स्टोर नहीं कर सकते, लगभग इसको 10 दिन बिना फ्रीज के स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये इतनी शानदार बनती है कि मैं बोल के नहीं बता सकती, आप खुद बना के ट्राई करना, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। और खाते ना तो ये लाजवाब लगती, मुँह में ऐसे लगता है जैसे मावे की मिठाई खा रहे हैं या फिर गजक खा रहे हैं। गजक का भी टेस्ट आता है और मावे की मिठाई का भी टेस्ट आता है। तो ये खाने में दिखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये दांतों के बिल्कुल नहीं चिपकती है, बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता।